राम और रामायण अनादि काल से आज भी लोगों के आस्था का केंद्र है। हमारे दादा और परदादा हमें राम जी के बारे में बताते हैं कि वो कितने शूरवीर थे। उन्होंने ऐसे राक्षस का वध किया था जिसके 10 सिर तथा 20 भुजाएं थे। लेकिन आज भी कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि हमारे राम भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। उन्हें प्रमाण नहीं पता है, तो मैं इस वीडियो में उनको प्रमाण बता दूंगा। क्या ऐसा कोई राक्षस है जिसका 10 सिर और 20 भुजाएं हैं? हनुमान जी अपना रूप बदल सकते हैं? वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं? ऐसा कोई पुल है जो पानी के अंदर तैर रही है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण विश्वकर्मा। आज मैं रामायण के 5 ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हम सबसे पहले प्रमाण की बात करते हैं कि सांप के जैसा दिखने वाला गुफा, एक ऐसा गुफा जो सांप के जैसा दिखता था। जब रावण माता सीता का अपहरण करता है और अपहरण करके वो श्रीलंका उन्हें लेके जाता है, तब वो सबसे पहले माता सीता को इसी गुफा में रखता है। माता सीता को रावण कुछ दिन तक इसी गुफा में रखता है। ये गुफा बाहर से किंग कोबरा सांप जैसा दिखता है और इस गुफा के चारों ओर का निकासी इस बात का प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण है श्री हनुमान गढ़ी मंदिर। इसी स्थान पे बजरंगबली श्री राम जी का प्रतीक्षा करते थे। रामायण में भी इस बात का जिक्र है कि अयोध्या के पास में एक हनुमान जी का मंदिर है जिसे हम हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। जब माता सीता का अपहरण होता है तो रावण उन्हें श्रीलंका लेके जाता है। बजरंगबली उन्हें ढूंढने के लिए समुन्द्र पार करके जब श्रीलंका पहुँचते हैं, तब उन्होंने वहाँ पे अपना आकार बढ़ा लिया था जिसके वजह से उनका पद चिन्ह आज भी उसी स्थान पे दिखाई देता है और श्रीलंका में आज भी बजरंगबली के पैरों का निशान मौजूद है। हे दोस्तों, मेरे दोस्त ने एक नया चैनल बनाया जिसे आप जरूर सब्सक्राइब कर दे। ये कास्ट से तो मुस्लिम है लेकिन ये हिंदू धर्म में हमेशा सम्मिलित होते हैं। हिंदू के कार्य में हमेशा सम्मिलित होते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये, वाकई में ही बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये। चाहे राम रैली हो या कुछ भी हो, इसमें जरूर सम्मिलित होते हैं। तो इनको जाके सपोर्ट करो, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इनके चैनल का लिंक हमारे बायो में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चौथा प्रमाण है राम सेतु, जो कि भगवान श्री राम के होने का एक पक्का सबूत है। रामायण में जो राम सेतु बनाया गया था वो आज भी मौजूद है। वो सेतु आज भी पानी के अंदर दिखाई देता है। ये सेतु तैरने वाले पत्थर को मिलाकर बनाया गया है जो आज भी दिखाई देता है, आज भी पानी के अंदर अस्तित्व में है। और पांचवे प्रमाण की बात करें जो है तैरने वाले पत्थर, जिसे राम सेतु को बनाने के लिए उपयोग किया गया था। ये तैरने वाले पत्थर पहले तैरने वाले पत्थर नहीं थे, ये आम पत्थर थे। वानर सेना में एक नल और नील नाम के वानर रहते थे जिनको एक श्राप मिला था कि वो जिस भी पत्थर को छुएंगे वो पानी में नहीं डूबेगा। और वो राम सेतु में जिस पत्थर का उपयोग किया गया था वो उन्हीं द्वारा छुआ गया पत्थर था, उन्हीं द्वारा लिखा गया था उस पे जय श्री राम, इसीलिए वो पत्थर पानी में कभी नहीं डूबेगा, इसीलिए वो पत्थर आज भी उस स्थान पे अस्तित्व में है। साइंटिस्ट द्वारा इस पत्थर की जांच भी किया गया है और ये पत्थर बहुत प्राचीन और बहुत पुरानी है। छठवां और सबसे लास्टवां प्रमाण, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी हिमालय की कुछ जड़ी बूटी यानी कुछ पहाड़ी उठा के श्रीलंका लेके गए थे। और हिमालय की जड़ी बूटी आज भी श्रीलंका में पाई जाती है, उसी स्थान पे जिस स्थान पे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, उस स्थान पे आज भी हिमालय की जड़ी बूटियां पाई जाती है। वैसे दोस्तों, रामायण के 6 क्या मैं 20 सबूत बता सकता हूँ? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे अच्छी वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और कुछ भूली हुई तो जरूर माफ कर देना।